अपहृत युवती के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। युवती के पिता ने बताया कि आरोपी मंजीत रघुवंशी और मनीष राठौर युवती को घर के बाहर से अगवा करके ले गए हैं, जिसके बाद कैंट कोतवाली में भी शिकायत की गई लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने नामजद रिपोर्ट करने को कहा लेकिन वहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, जबकि युवती के पिता आरोपियों के नाम भी बता रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही आरोपियों के द्वारा युवती के परिजनों को आए दिन डराया व धमकाया जा रहा है कि वह अपना केस वापस ले लें, जिसकी शिकायत लेकर आज युवती के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। लड़की का मामला है साजिद रंजीत मंजीत रघुवंशी और मनीष राठौर, ये मोटरसाइकिल से भाई घर से बाहर निकलते ही उठा ले गए। पहले धमकी दे रहे थे फोन पर, बंदे कर गई गुस्सा हम घर से उठा ले गए। मैंने रिपोर्ट डाली कैंट थाने में, सुसा पर नाम दर्ज भी नहीं लिखी, संजय भगा दिया कि सुबह आना घर सुबह लिख लई उन सुधा लिख के, और अब आठ वही आठ के साथ बात लगा रहा है कि आज पकड़ लाएंगे, कल भी सरेआम घूम रहे हैं धमकी दे रहे हैं, घूम भी रहे हैं वो घूम रहे हैं, 10 बजे भी आ रहे हैं गाड़ी ले लेकर आठ आठ नौ नौ मोड़ आ रहे हैं। उसको हथियार देता और हमारे घर पर धमकी देने पहुंचाता है कि नहीं मोड़ अगर तुमने रिपोर्ट नहीं कटवाई जान से मार देंगे, धमकी दे रहे हैं सबरी मोड़ आना आठ आठ साफ लड़के आते हैं मोबाइल बांध कर और बच्ची अभी तक घर नहीं पहुँची नहीं पहुँची, वो लोग भी कह रहे हैं लोकेशन नहीं मिल रहा लोकेशन नहीं मिल रहा, मोबाइल बात भी हो गई लड़की से बात हो रही है, दीवान जी की अली साहब की वो पठान साहब हैं दीवानी उनकी बात हो रही है और वो उनको पकड़ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कल पेश कर देंगे परम पेश कर देंगे, अभी गुमशुदा है और उनको लोकेशन भी नहीं बताई जा रही, साहब बोल रहे थे एडिशनल एस पी साहब उनकी लोकेशन पकड़ के इनको पेश कर।